Join our Discord server to play the God Spunky Network. This is free bro. Link in the description. Enjoy. Hey guys, I'm back with another episode of Minecraft. और यार अब हम लोग finally बोल सकते हैं कि हम लोग Minecraft Java Edition को अपने फोन में खेल सकते हैं। हाँ, ये real Minecraft Java Edition होने वाला है। ये कोई mod या फिर add-on नहीं है। ये असली Java Edition है और जो कि फोन में चलेगा। ये 3 दिन पहले ही अपडेट हुआ यार। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये जो तुमने पोजेव लॉन्चर ये सब सुना है ना, ये सब नहीं है भाई, एकदम अलग ही चीज है भाई। मतलब जब मैंने ना सोचा ये फेक होगा, बट उसके बाद जब मैंने उसे चलाया तो भाई मजा आ गया भाई। मतलब माइनक्राफ्ट जावा एडिशन अपने फोन में खेलने के बाद भाई कितना ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार आज तो एकदम मस्त चीज मिलने वाली है, तो इसी बात पे लाइक कर दो। लाइक टारगेट रखता हूं मैं 5000 लाइक का, और अगर तुम लोग लाइक करोगे ना तो मैं सच बता रहा हूं भाई 500 लोग के सामने और जाएगी वीडियो। तो हां, तुम लोग चाहते हो कि नहीं सब लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेल पाए, तो लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 180,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं एकदम आखिरी में बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं खेल रहा हूं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन अपने फोन में, और लिटरली बता रहा हूं भाई बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो लैग करेगा फोन के हिसाब से, लेकिन भाई ये देखो कितना ज्यादा मस्त है। और तुम लोग ये समझ रहे हो कि ये पोजेव लॉन्चर है, भाई पोजेव लॉन्चर नहीं है, और इस पे शेडर भी लगा सकते हो जावा के। इस पे आप लोग को माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का हर फीचर मिलेगा, जैसे ये देखो भाई सेटिंग वाला, और इस पे सेटिंग तो पूरी की पूरी है, जो कि पूरी की पूरी वर्क करती है। माइंड ब्लोइंग है भाई ये वर्जन। अभी मैंने अपने हाथ में सी लैंटर्न निकाली और इसे मुझे रखना है अगर, तो मैं यहाँ पर ओ बनाना हूँ जो ऊपर, अगर मैं ओ पे क्लिक करूंगा तो मैं रख दूंगा, और एक्स दबाऊंगा ना तो मैं यहाँ पर तोड़ सकता हूँ ब्लॉक को। भाई एकदम पीएस वाला लुक आ रहा है भाई, एकदम मजेदार है भाई। और यहाँ पर मैं कमांड भी डाल सकता हूँ जो कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की होगी। यार कितना ज्यादा मस्त है भाई। यहाँ ऊपर डीबग में क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, जो कि अपन F3 बटन बोलते हैं ना, और यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी, जैसे FPS, कौन से कोऑर्डिनेट में हो, और भाई बाकी सब दूसरी चीजें। भाई ये लोडिंग स्क्रीन फोन में देख के ना भाई काफी ज्यादा मस्त मजा आ रहा है। और ये देखो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जैसा इंट्रो भी है, ये काफी मस्त है। और आपको इसमें माइनक्राफ्ट की म्यूजिक भी दिख जाएंगी, और कर्सर तो पहले से है ही। मुझे मालूम है ये देख के बहुत सारे लोग को भाई दिल को सुकून आ गया होगा, क्योंकि देखो मैंने लेफ्ट हैंड में टॉर्च पकड़ी है और एक हाथ में तलवार पकड़ी है, और अभी मैं यहाँ पर क्राउच भी कर पा रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा मस्त है। और ये मैं माउस में नहीं खेल रहा हूँ यार, ये मैं अपने हाथ में ही खेल रहा हूँ, जो कि काफी मस्त है यार। मैं कितनी तारीफ करूँ ये वाली चीज की यार, कुछ ज्यादा ही मस्त है ये सब चीजें। यहाँ पर फुल कीबोर्ड को भी इनेबल कर सकते हो, ऊपर फुल में क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को ये बटन मिल जाएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पर तलवार को क्लिक किया और मैंने क्यू दबाया, तो देखो भाई बंदे ने तलवार फेंक दिया, क्या मस्त चीज है भाई। अच्छा यार अब जो स्टेप आने वाली है ना, वो वाली स्टेप को स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। यार फिर आप लोग नहीं कर पाओगे ना, तो आप लोग बोलोगे कि भाई तू एक फेक वीडियो बना रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं फेक वीडियो थोड़ी बना रहा हूं। तो यार ये वाली स्टेप को एकदम ध्यान से देखना, पहले मैं बताता हूं कि कैसे डाउनलोड करना है, फिर बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। लेट्स गो। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक करना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप ये वाले पेज में पहुंच जाएंगे जहां पर लिखा होगा स्पंकी इंसान, आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को से ऊपर पोस्ट मिल जाएगी। अब बाय चांस तुम लोग 1-2 महीने बाद ये वाली वीडियो को देख रहे हो, तो तुम लोग सर्च भी कर सकते हो ये वाले वीडियो का टाइटल, या फिर तुम लोग ये भी सर्च कर सकते हो, ऊपर तुम लोग को मेन्यू दिख जाएगा, ये मेन्यू में क्लिक करना और यहां पर लिखेगा मॉड्स MCP, तो आप लोग को इस पे क्लिक करना है और आप लोग को यहां पर मिल जाएगा। नाउ बाय चांस तब भी अगर तुम लोग को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नहीं चाहता यार तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हाउ टू ओपन माय लिंक्स, तो वो वाली वीडियो को भी देख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो भाई कांग्रेचुलेशन, तुमने डाउनलोड कर लिया। नाउ जो चीज डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद ओपन करना है, मेक श्योर इंटरनेट ऑन रहना चाहिए, और उसके बाद आप लोग यहां पर आप लोग को इग्नोर में क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोग को यहां नो अकाउंट लिखा है ना, जहां वहां क्लिक करना है, और यहां पर ऑफलाइन में क्लिक करना है, और यहां पर एक न्यू अकाउंट बनाना है। यहां पर मैं स्पंकी इंसान करके एक न्यू अकाउंट बना लेता हूं, और ध्यान रखिए ऑफलाइन अकाउंट है। अब यहां पर मैं लॉग इन करता हूं, और यहां पर देखो एक ऑफलाइन अकाउंट बन चुका है। अब बैक जाना आप लोग को, और यहां पर आप लोग को ये नहीं दिखेगा 1.16.5, आप लोग को डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहां पर आप लोग को पूरे वर्जन मिल जाएंगे। काफी मस्त चीज है भाई ये, मतलब यहाँ पर हर वर्जन मिलेगा 1.19 तक। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग के पास कोई लो एंड फोन है, और फोन में तो 1.16.5 के आसपास ही चलाना, तो मेरा फेवरेट वर्जन है 1.16.5, तो मैं काम करता हूँ 1.16 का कोई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे अलग अलग दिख जाएंगे, जैसे ऑप्टिफाइन, फैब्रिक, फोर्ज, जो कि और अच्छी बात है भाई, मतलब मॉड भी लगा सकते हो अब। तो यहाँ पर देखो ये तो अवेलेबल नहीं है, 1.16 में अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को 1.16 में तो ऑप्टिफाइन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे 1.16.5 में ऑप्टिफाइन लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर चलते हैं, और ये 1.16.5 में इस पर क्लिक किया, एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा ऑप्टिफाइन। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो इस पर अवेलेबल है, तो मैं इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर आप लोग को इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। देखो ऑप्टिफाइन HD लिखाया, आपको इंस्टॉल में क्लिक करना है। अब ये रियली ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, अगर आपका ऐसा बताता है तो आपको थोड़ा नाम चेंज कर देना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1.16.5 ऑप्टिफाइन, और उसके बाद देखो ये डाउनलोड होने लगा।
मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने में थोड़ा ज्यादा इंटरनेट लग सकता है, आपको ओके में क्लिक करना है और उसके बाद आपको बैक जाना है और यहाँ पर आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर डाउनलोड्स में क्लिक करता हूँ, ऑल यहाँ पर इंटेंस में जाना है और देखो भाई यहाँ पर मिल गया 1.16.5 ऑप्टिफाइन और अब मैंने बैक किया, यहाँ पर देखो ये आ गया। अब ना कुछ नहीं करना, लॉन्च गेम है ना, लॉन्च गेम पे ऊपर क्लिक कर देना है, ये कुछ यहाँ पर प्रोसेस चलेगी एंड आपका गेम लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मेरे कर्सर सामने आ चुका है और आप लोग को बीच में क्राफ्टिंग टेबल दिखेगी तो आपको इस पर क्लिक करना है और साइड में फ्लोटिंग विंडो है ना, ये फ्लोटिंग विंडो को बंद कर देना। तो ये कुछ अजीब सा दिखता है यार, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। और ये देखो भाई मस्त हमारा गेम चालू होने ही वाला है। बस देखो मेरा गेम स्टार्ट होना चालू हो गया, यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है ये, इसलिए ये मत सोचना कि हमारा गेम फ्रीज हो गया, यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है। एंड ये देखो भाई मेरा मोजंग स्टूडियो लिखा गया, ये कितना मस्त दिख रहा है भाई, मतलब फोन में अलग ही मजे आ रहे हैं। लेट्स गो, पूरी लोडिंग हो चुकी है और ये देखो भाई हमारा गेम चालू हो गया एंड यहाँ पर आपको म्यूजिक की आवाज भी आ रही होगी। एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ मेरे को बेस्ट लगा भाई ये पोजैव लॉन्चर, भाई कभी चला ही नहीं मेरे फोन में, मतलब पोजैव लॉन्चर को मैंने इतनी बार चलाने की कोशिश किया लेकिन चला ही नहीं। तो चलो मैं आप लोग को अभी इसकी सेटिंग बताता हूँ और उसके बाद गेम प्ले में ले चलता हूँ। वीडियो सेटिंग में आने के बाद आप लोग को परफॉर्मेंस टैब में जाना है और ये जितनी भी चीजें सबको ऑन कर देना। ये सब चीज ऑन करने से क्या फायदा होता है, हम लोग का यहाँ पर मस्त चीज चलने लगती है। और यहाँ पर मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ ना, स्काई को ऑफ कर देना और यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चीजें करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको बेटर ग्राफिक्स को फास्ट कर देता हूँ, आप ऑफ भी रख सकते हो। और बाकी मैं यहाँ पर पार्टिकल को पूरे ऑफ कर देता हूँ ताकि अच्छा चले गेम। एंड यहाँ पर रेंडर चंक डिस्टेंस 4 या 6 के आसपास रखना और अगर भाई मस्त प्रोसेसर है तो और अच्छा रख सकते हो। एंड ये मैंने जीव है इसका क्या कर दिया भाई, अब ये क्या सिर बन गया भाई। तो बस ये सोचो भाई शेडर भी लगा सकते हैं, शेडर का भी ऑप्शन है भाई, मैं तो फ्यूचर में कंटेंट ही कंटेंट लाने वाला हूँ उसके ऊपर। नाउ देखो मैं फिर से गेम प्ले में आ गया और यहाँ 30-45 FPS आ रहे हैं जो कि अच्छे हैं, उतने भी अच्छे नहीं है लेकिन। और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी सेटिंग ला सकता हूँ, सो या मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा वीडियो नेक्स्ट बार नहीं मिलेगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम पगला गया है भाई। FOV क्या मस्त दिख रहा है भाई इतने हाई में। एंड ये माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तो भाई बात ही अलग है। गाइज अगर आप लोग को लगता है कि मैं एक जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज आप लोग नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना या फिर कुछ भी कमेंट कर सकते हो, #HarshitOP लिख देना, हाँ OP लिख देना, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि यार तुम ही लोग मेरा मोटिवेशन हो और तुम लोग कमेंट करते हो ना भाई, दिल से अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ ना 200 कमेंट आए भाई, सही में बहुत मस्त लगता है। तो जाओ जाके कमेंट करो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि YouTube अगली बार रिकमेंड नहीं करेगा, YouTube भाई पगला गया है। तो मैं हर्षित अपनी हर्ष वाली भाषा से मिलूंगा अगली बार, चलो जल्दी से आउटरो लगाया जाए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अबे बिल्लू आउटरो लगा यार जल्दी। अरे हाँ, जाते जाते एक चीज तो बोला भूल ही गया, सब्सक्राइब।